नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट्स लाइफ में स्वागत है हमारे फ्रेंड्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले हैं दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले अभी तक आप सभी ने स्टूडेंट्स लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पहला प्रश्न हमारे फ्रेंड्स, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? उत्तर है प्रस्तावना को। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? उत्तर है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। आपका अगला प्रश्न, प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली है? उत्तर है प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। आपका अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज कौन बनाता है? उत्तर है संविधान की प्रस्तावना। आपका अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ यह है कि भारतीय राज्य, उत्तर है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, इसका तात्पर्य है? उत्तर है राज्य धर्म को नागरिक का निजी मसला समझता है एवं इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के लागू होने के समय आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? उत्तर है समाजवादी। आपका अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित करता है? उत्तर है सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? उत्तर है संघवाद। आपका अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है? उत्तर है एक बार। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया? उत्तर है 42वें। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका के अनुसार भारत राज हर एक व्यक्ति की सम्मान की रक्षा करेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति होती है? उत्तर है प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देकर। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? उत्तर है केशवानंद भारती मुकदमा। आपका अगला प्रश्न है, भारत है? उत्तर है राज्यों का संघ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय संविधान का एक संघ राज होने का द्योतक है? उत्तर है केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों की सीमाएं किसके द्वारा बदली जा सकती है? उत्तर है संबंधित राज्यों की मान्यता लेने के पश्चात 2/3 बहुमत से संसद द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, कौन भारतीय संघ में नए राज्य की रचना कर सकता है? उत्तर है संसद। आपका अगला प्रश्न है, यदि भारतीय संघ का नया राज्य बनाना हो तो संविधान के किस अनुसूची को बदला जा सकता है? उत्तर है प्रथम। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के राज्यों को किसके द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है? उत्तर है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत और संबंधित राज्यों की विधायिका की सहमति द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1953 में। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में देश को विभिन्न राज्यों में पुनर्गठन करने का आधार क्या था? उत्तर है क्षेत्र के अधिकांश लोगों द्वारा
बोली जाने वाली भाषा। आपका अगला प्रश्न, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? उत्तर है पोती श्रीरामुलू। आपका अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर कब वैधानिक रूप से भारत में सम्मिलित हुआ? उत्तर है अक्टूबर 1947। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? उत्तर है 1956। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया? उत्तर है 1 नवंबर 1956। आपका अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब की गई? उत्तर है 1 मई 1960। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का भाग होने से पहले गोवा किसका भूभाग था? उत्तर है पुर्तगाल का। आपका अगला प्रश्न है, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? उत्तर है 1962 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया? उत्तर है 1973 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? उत्तर है 1974 में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में बनाया गया 28वां राज्य कौन है? उत्तर है झारखंड। आपका अगला प्रश्न है, नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना है, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मैं मुलाकात होगी। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यदि आपका किसी प्रकार का सजेशन है दोस्तों, तो प्लीज़ हमें कमेंट लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं